ஆச்சரியப்படுவார். திருவள்ளாச்சார் சுவாமி கிரந்தராஜ் குரல் காவ்யம் 105வே பரிச்சேத் மே दरिद्रता की व्याख्या करते समझा रहे हैं। संसार में महान कोई कष्ट है, महान दुख है, महा पीड़ा है, अहर्निश कष्ट देने वाली व्याधि है, उसका नाम है दरिद्रता। जिसके घर में दरिद्रता का पग रख जाए उसको 24 घंटे कहीं शांति नहीं, न संबंधी सुख देते उसे, न रिश्तेदार सुख दे पाते हैं, न सूर्य का ताप सुख देता है, न चंद्रमा की चांदनी सुख देती है, न पृथ्वी पर सुख है, न जल में सुख से, न पर्वत पर सुख है, न आकाश में सुख है। जहाँ देखो मात्र क्लेश ही क्लेश है। जो दरिद्रता से भरा हुआ है ऐसा अज्ञानी प्राणी, और जिसने दरिद्रता के काल में ही बैराग को प्राप्त कर लिया हो तो दरिद्रता उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। भेद विज्ञानी के लिए दरिद्रता कुछ नहीं कर सकती। भेद विज्ञान शून्य है, उसको हर वस्तु कष्ट देती है। भेद विज्ञान है तो संसार में कोई वस्तु कष्ट नहीं दे सकती। भेद विज्ञान नहीं है तो जगत में कोई वस्तु सुख नहीं दे सकती, इसमें कोई शंका नहीं। इसलिए भेद विज्ञान पर दृष्टि रखना चाहिए प्रतिक्षण प्रतिपल। वो भूल न जाए, वो भूल न जाए। भेद विज्ञान को भूलते व्यक्ति कष्ट में आ जाता है। पुनः ही समझा रहे हैं, हतदेव हि दरिद्रायां मस्त्वेति दुःखदं, परलोकभोगानां मनमपि अस्यते किन्तु घातकम्। हत एव, तो जो दरिद्रता है, हतात एवं हि दरिद्रम्, संतान न दरिद्रता, जन्म के सुखों की शत्रु है, वर्तमान के सुखों की क्या है, शत्रु तो है ही। और संतान सुख का भी शत्रु है। अब कितने लोग ऐसे हैं जिनकी पत्नियां छोड़ के भाग रही हैं, बोले कुछ है नहीं दरिद्री, अथवा पत्नी छोड़ के ना भी भागे, संतान को जन्म नहीं दे रहा हो। क्यों नहीं दे रहा है, जब स्वयं को ही खाने को नहीं है, स्वयं की व्यवस्था नहीं बन पा रही है, तो हम संतान के लिए क्या करेंगे। इसके पीछे संतान को जन्म नहीं दे रहा है, अथवा संतान को जन्म भी दे दिया, धोखे से होगी, संतान ने जन्म ले लिया, अब बेचारे को खिलाने के लिए कुछ नहीं है, तो संतान कुपोषण का शिकार तो करके और मृत्यु को प्राप्त हो गई। तो दरिद्रता संतान का घातक है, दरिद्रता संतान का घातक है। दारिद्र्यम मत्वेति हति दुःखदम्, और इस लोक का दुख सुख को नाश करने वाली है, वर्तमान के सुख को शत्रु है, परंतु परलोक भोगानम अपि किंतु घातकम्, वो परलोक के सुखों को भी घात करने वाली दरिद्रता। अब प्रश्न है कि परलोक का घात दरिद्रता कैसे करेगी, इस लोक का घात तो कर रही दरिद्रता, परलोक का घात कैसे करेगी। 8:45 तो दरिद्रता कैसे घात कर रही है परलोक को, इसे समझिए आप। यहां भी नहीं वहां भी नहीं, यहां भी नहीं वहां भी नहीं। अब दरिद्री है बेचारा, कंगाल है, दाने दाने को तरस रहा है, संक्लेश भाव से जी रहा है। तो जब संकलेशता से जिएगा तो मर के कहाँ जाएगा, दुर्गति को प्राप्त होगा, दरिद्री हो जाएगा पुनः। तो इस लोक में दान नहीं दे पा रहा है, कोई भगवान की भक्ति नहीं कर पा रहा है, साधुओं की चर्या भी नहीं करा पा रहा है,
धार्मिक अनुष्ठान भी नहीं करने, क्योंकि सब जगह श्री चाहिए और दरिद्री के पास कुछ है ही नहीं है। जहाँ हाथ डालता वहाँ खाक हो रहा है, इतना पुण्य क्षीण है। ऐसे पुण्य क्षीण आदमी हैं देश में कि जहाँ यदि आपको किसी के साथ साथ में व्यापार भी करना हो तो यही मत देखो कि आदमी अच्छा है, ये भी देखो आदमी का पुण्य अच्छा है कि नहीं। आदमी तो अच्छा होता कभी कभी लेकिन पुण्य अच्छा नहीं है, और उसके साथ हम जो भी काम करेंगे तो उसको तो घाटा लगना ही है क्योंकि उसका पुण्य छीण है। पुण्य की छीणता में जहाँ भी हाथ डालो ना, खाक होता व्यक्ति। आपने उसके साथ व्यापार कर लिया तो व्यापार जब किया तो उसका तो क्षय होना ही है, साथ में तुम्हारा भी क्षय हो जाएगा। अग्नि के संसर्ग से हर वस्तु जलती है, समझ में आ रहा कुछ? अग्नि के संसर्ग से हर वस्तु जलती है, ऐसे छी पुण्यात्मा के संसर्ग से हर व्यक्ति फैल होता है। खाद में उर्वरा शक्ति होती है, फसल को वर्धमान कर देता है, और जिस वृक्ष में ताकत होती है ना, उसके पुष्प भी बहुत सुगंध फेंकते हैं, वो फल भी अच्छे लगते हैं। फलों को मत देखो, पुष्पों को मत देखो, पुष्पों को मत देखो, फलों को मत देखो, देखो वृक्ष की स्वस्थता को। जो वृक्ष स्वस्थ होता है ना बंगीला, वही पुष्पित होता है, वही फलित होता है। वनस्पति में भी रोग लग जाते हैं, वनस्पति में रोग लगते हैं, और जिस वनस्पति में रोग है उसके पुष्प उसके फल कैसे होंगे? आप देख लो खेतों में जाकर, बगीचों में कुछ पपीते ऐसे होते हैं बेचारे, वहीं क्यों रोग लग जाता भी, वहीं उगते हैं जरा से और वहीं सूख जाते हैं, समझ ना? कोई भी फल होगा जिसमें रोग लगा होगा वही नष्ट हो जाएगा, चाहे मनुष्य का फल क्यों ना हो। गर्भ में ही बेचारा रक्तस्राव हो गया अथवा गर्भपात हो गया, जब तक उत्पन्न वर्धमान नहीं हुआ तब तक रक्त निकल गया तो रक्तस्राव कहलाता है, और दो तीन चार पाँच महीने का हो गया बच्चा उसके अंदर तो गर्भपात हो जाएगा। ये क्यों हुआ? ये तो बालक रोगी है या माँ रोगी है, या पिता के शुक्र में कोई शक्ति नहीं थी वो रोगी है। इसलिए जैसे कि रुग्ण पुरुष रुग्ण फल वृक्ष फल नहीं दे पाता, संतान नहीं दे पाता है, ऐसे जो का जिस व्यक्ति का पुण्य रुग्ण है, दरिद्रता का रोग जिसको है, वो भविष्य की पर्याय में भी सुख नहीं पा पाता। भविष्य का सुख भविष्य से थोड़ी मिलता है, वर्तमान की पुरुषार्थ से भविष्य का सुख मिलेगा। बोलो, वर्तमान का पुरुषार्थ करने की ताकत नहीं है तो भविष्य का सुख कहां से मिलेगा? नपुंसक व्यक्ति चाहे संतान का सुख भोगूं, अरे तू कहां से भोगेगा संतान का सुख? तेरे पास शक्ति नहीं है पुत्र जन्म देने की संतान की। अपत्यार्थम, अपत्य के अर्थ के लिए शरीर में शक्ति चाहिए। जो पुरुषार्थ पुरुष पुरुषत्वहीन है वो संतान को जन्म कैसे दे सकता है? ऐसे ही जो व्यक्ति दरिद्री पुरुष है वो दान को जन्म कैसे दे सकता है? जो दान को जन्म नहीं दे सकता वो भविष्य के भोगों को जन्म कहाँ दे सकता है? इसलिए भविष्य के भी भोग चाहिए तो आपके पास पुण्य का धन चाहिए, जो कुछ अच्छे काम कर सके। वो अच्छे काम करेगा तो सुख भोगेगा, और यदि नहीं कर सका तो वर्तमान में का तो दुख है ही, भविष्य में भी दूसरे जन्म में सुख भोग की भी घातक है, अगले जन्म भी सुख का घात ही करेगा, उसे सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए प्रतिपल प्रतिक्षण व्यक्ति को स्व का भाग्य देखना चाहिए, स्व का भाग्य देखना चाहिए, और ये अनुभव में आता है कि तुम्हारा भाग्य बढ़ रहा है कि क्षीण हो रहा है, हर व्यक्ति को समझ में आता है। कुछ व्यक्ति जान करके अज्ञानी बनते हैं लेकिन समझ में सब आता है,
इसलिए सुखी भाग्य को निहारो, सुखी भाग्य को निहारो, दूसरे के सुख दुख में आप हर्ष विषाद मत करो, अपने सुकृत दुष्कृत को देखो, वही तुम्हारा भाग बनाता भाग मिटाता है। दरिद्रता संसार का महारोग। स्त्री में आचार्य प्रवर भट्टकलिंग स्वामी बहुत गंभीर सिद्धांतों की व्याख्या कर रहे हैं। पूर्व में कहा था जो निर्विकल्प है तो प्रत्यक्ष जो विकल्प मौजूद है उन पर प्रत्यक्ष ज्ञान में नहीं दिखता, इसका क्या कारण है, ये विषय यहाँ हो चुका था। तब आचार्य महाराज ने कहा था प्रतिपत्तुर शक्ति प्रधान चित्त ब्रह्मा, जो प्रतिपत्ता है